दिल पर हाथ रख के बोल रहा हूँ कि मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी लव स्टोरी फेक स्टोरी है? ये भी मैं फेक स्टोरी सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए बनाता हूँ, नहीं सिर्फ अपने दुश्मनों को बॉटल में उतारता हूँ। तुम्हें मैंने सिर्फ एक जगह उतारा है, मेरे दिल में। मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानती हो मुझे। इसलिए पूछ रही हूँ। What do you mean भाई? इसीलिए पूछ रही हूँ। Okay, I get it। इसका मतलब ये है कि तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करती, और अब जब तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करती फिर तो इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं। हम एक काम करते हैं, हमारे इस रिश्ते को ना अभी इसी वक्त खत्म कर देते हैं। और रही बात उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा से बदला लेने की, तो उससे बदला सिर्फ मैं नहीं तुम भी लेना चाहती हो। शायद तुम ये भूल रही हो कि उस रात सिर्फ मैं नहीं तुम भी वहां पर थी, मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हुई थी। बट नो इश्यूज, हम एक काम करते हैं, हम इस रिश्ते को और इस बदले की कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं, और साथ में मैं तुम्हें भी छोड़ रहा हूँ। क्योंकि वो क्या है ना, पृथ्वी मल्होत्रा को जबरदस्ती में किसी को पकड़ के रखने की आदत नहीं है और ना ही मजा आता है। ओके, सो गुड बाय। तालाब भी मेरा, मछली भी मेरी, फंस गई ना मछली फिर से इस मछुआरे के जाल में। पृथ्वी मल्होत्रा को एटीट्यूड दिखा रही थी, मुझे एटीट्यूड की दुकान को बंद करना बहुत अच्छे से आता है बेबी। वो दाढ़ी वाला बकरा सबके सामने झूठ बोल रहा था कि उसने बीच में आके प्रीता को बचाया। हाँ मैं मानता हूँ मोनिशा यहाँ किसी को नहीं और मुझ सबको मानना ही थी, उसके लिए पूरी लूथरा फैमिली ही उसकी दुश्मन है। प्रीता, मैं, ऋषभ, हम तीनों तो उसके कट्टर दुश्मन हैं, पर वो पृथ्वी भी था उसकी लिस्ट में। मोनिशा ने उस पर भी अटैक किया था, और उसने कितनी चालाकी से प्रीता को बचाने की फेक स्टोरी बना दी, सब ने उस पर यकीन भी कर लिया। ये भी तुम्हें पता है मैं कितना खुश था यही सोचकर कि फाइनली उस लालची लोमड़ी मोनिशा ने हमारा पीछा छोड़ दिया। मैं ये सोचकर भी खुश था कि सिर्फ 11 दिन बचे तुम्हारी शादी उस पंचायती बिजनेसमैन के साथ होने में। मैं ये भी सोचकर खुश था कि एक बार तुम्हारी और उस ऋषभ लूथरा की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। पर तुम अब इसे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हग रियल है या फेक। पृथ्वी मल्होत्रा लोगों के इशारों पे नहीं नाचता, सिर्फ नचाता है। जो लोग मेरे दिल से खेलते हैं मैं उनके दिमाग से खेलता हूं। एट द एंड ऑफ द डे पूरा गेम मेरी बाहों में। इट्स ओके बेबी, बेबी तुम डरो मत, ओके? मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ। ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ, नोक झोंक, ये सब तो हमारे बीच में होते रहते हैं। उनकी वजह से मैं तुम्हें कभी छोड़ के थोड़ी ना चला जाऊंगा। सॉरी। से शलिन जी, ऐसे कैसे फिसल गई आप? आगे पीछे दाएं बाएं देख के चला कीजिए, संभल के चला कीजिए, बी केयरफुल जी। चाची। हाँ बेटा। चाय कब तक रेडी होगी? चाचू कब से वेट कर रहे हैं? बस चाय बनी रही है, पता नहीं आज तेरे चाचू को चाय की इतनी जल्दी क्यों पड़ी। वैसे तो इतनी जल्दी नहीं बचाते। बात यह कि वो बहुत परेशान लग रहे हैं, उनके सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। कह रहे थे आज सबके लिए बहुत स्ट्रेसफुल दिन है, सब बहुत टेंशन में थे। हाँ राखी जी, आज टेंशन वाला दिन तो था। देखिए ना, होली का त्योहार था, सब खुशियों में डूबे हुए थे, और मेरी प्रीता की जान खतरे में पड़ गई। सच में पता नहीं उसे कुछ हो जाता अगर वहां पर पृथ्वी नहीं आता। पृथ्वी ने अपनी जान पर खेल कर उसकी जान बचाई,
इस चक्कर में उसे चोट भी लग गई। वाकई पृथ्वी बहुत अच्छा लड़का है। सही कहा सरला जी, आज अगर पृथ्वी नहीं होता तो क्या हो जाता। बहुत ही अच्छा लड़का है, जब देखो तब दूसरों की मदद करते रहता है। हम सच में बहुत किस्मत वाले हैं जो पृथ्वी प्रीता से इतना प्यार करता है, उसके लिए अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकता है। हम वाकई बहुत किस्मत वाले हैं जो पृथ्वी हमारा होने वाला दामाद है। अब आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको बचा लिया है। पर आगे से ध्यान से चलिएगा, बी वेरी केयरफुल। ओके, आई एम सॉरी पृथ्वी जी, वो एक्चुअली मेरा पैर ना, आई मीन साड़ी पैर में अटक गई थी। इट्स ओके। तो यहाँ गिरना पड़ना हो रहा था हा? या फिर मैं कहूँ गले पड़ना। करण, हाँ, मेल मिलाप मिलन। नहीं पृथ्वी जी, सच में मेरा पैर मेरी साड़ी में अटक गया था और मैं स्लिप होने वाली थी और आपने मुझे बचा लिया। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज आप मेरे बारे में गलत मत समझिएगा। कौश सलीम जी, मैं आपके बारे में गलत सोच ही नहीं रहा हूँ। आखिर आप दूसरा खानदान की होने वाली बहू है, आप जबरदस्ती मेरे गले क्यों पड़ेंगी। जस्ट रिलैक्स। और तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो मुझे टाटा बाय बाय बोल के चला गया था, अब फिर से हाय हेलो करने आया। अच्छा, जख्म देखना है? ये देख, ये रहा वो जख्म। वैसे ये जख्म पता है ना क्यों आया? क्योंकि मैं प्रीता जी को बचा रहा था। पर एक बात बोलूं, ऐसा एक नहीं, प्रीता जी के लिए ऐसे 100 जख्म कुर्बान। यू नो व्हाई? क्योंकि प्रीता जी मेरी जान है, और मैं प्रीता जी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं अपनी प्रीता जी के माथे पर सिंदूर लगाऊंगा, उनकी मांग भरूंगा और उनके साथ मिलकर होम स्वीट होम बनाऊंगा। हो गई तेरी एक्टिंग, हो गया नाटक खत्म। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी देर में तो 15 बार किसी को चोट लगे, 15 बार उसकी मरम्मती की जा सकती है और उसके बाद वो इंसान मरम्मती करके यहाँ से जा भी सकता है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह शलिन वाह, शादी की तैयारी मेरे भाई के साथ और यहाँ बाहों में गिरना किसी और के साथ। करण, मैं जानबूझ के पृथ्वी जी की बाहों में नहीं गिरी थी, मेरा पैर फिसल गया और उन्होंने मुझे बचा लिया। ओह, अगर किसी को बचाना गलती होती है तो ऐसी गलती तो तुम बहुत बार कर चुके हो। अब वो सही है या गलत मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो सही है। और पृथ्वी जी मुझे बचा रहे थे, हम एक्सीडेंटली क्लोज आ गए और तुमने पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। वही दिख रहा है जो शायद तुम दोनों दिखाना नहीं चाहते। क्या हुआ? तुम दोनों की हवाइयां क्यों उड़ गई? कुछ है क्या ऐसा, या फिर ऐसा ही है? बोलो पृथ्वी, कुछ है ऐसा क्या? हाँ है, प्यार है, चक्कर है, आशिकी हम दोनों की। यही सुनना चाहता था तू? सुना दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा तो दिमाग खराब हुआ, लेकिन तू तो इंसान ही खराब है। समझा, तेरा दिल, तेरा दिमाग, तेरी नियत, सब कुछ खराब है। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, जुबान पे तेरे कोई और है और बाहों में तो किसी और को ले रहा है। Just shut up! Who are you? तू होता कौन है मुझ पर और मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाला? कैरेक्टर तेरे पास है क्या? चला सर्टिफिकेट। क्यों दूं मैं सर्टिफिकेट? होता कौन है कि मैं तुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूं? क्योंकि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ा है, मेरी सो कॉल्ड होने वाली भाभी के साथ, समझा? तुम दोनों प्लीज झगड़ा करना बंद करो। करण, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम्हें लग रहा है। छोटी सी बात है, तुम प्लीज पतंगड़ मत बनाओ, प्लीज आई बेग यू। ओके फाइन, मुझे करीना से कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। तू एक नहायत ही कमीना और झूठा इंसान है। इनफैक्ट बाहर जो तूने मोनिशा के बारे में बोला ना, मुझे पता है वो सब कुछ झूठ था। पर ये सब जो तू कहानियां बना रहा ना कि मोनिशा का टारगेट प्रीता थी और तू बीच में आ गया, ये सब भी झूठ है। देख पृथ्वी, मुझे पता है कि तू एक नंबर का कमीना और झूठा इंसान है, और मुझे ये भी पता है कि तेरे और शलिन के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। देख, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। So it's better that you shut up.
वो क्या है ना, जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है ना तो ऐसी कहते, मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी। अब मैंने तेरी चोरी पकड़ ली। एक हसीना है, एक दीवाना है, दोनों का कोई तो फसाना है। क्यों? बी केयरफुल, हाँ ज्यादा बोलेगा तो दर्द होगा। मैं चलता हूँ। पता नहीं अभी खिल्ली डंडा प्लेयर मेरी प्रीता जी को जाकर क्या कहानी बताएगा और फिर प्रीता जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, जानकी जी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। उतर गई? हाँ उतर गई। एक बात है भाई जानकी, है तू बड़ी किस्मत वाली जो तेरी इतनी जल्दी उतर गई। लोगों की तो दो दो दिन नहीं उतरती। हाँ वो तो ठीक है, पर ये आदमी कौन था? ये इंश्योरेंस वाला। पीछे होली वाले दिन इंश्योरेंस कराया? नहीं, कल फिर आएगा तेरे साइन लेने। हाँ? इंश्योरेंस आपकी और साइन मेरे, क्यों? जानकी, इंश्योरेंस भी तेरा है तो साइन भी तेरे ही होंगे। मेरा क्यों कराया? पीछे मुझे किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। पली चंगी हूँ और पली चंगी ही रहूंगी। सात जन्म तक मुझे कुछ नहीं होने वाला। हाँ बस मेरे इंश्योरेंस कराएंगे। इंश्योरेंस की बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? बीजी ये पूछो ना कि पैसे कहाँ से आएंगे। आपको भी पता है कि मैं कोई नौकरी शौकरी नहीं करती। आपके यहाँ काम करती हूँ, आपके यहाँ रहती हूँ, लेकिन पगार जैसी तो कोई चीज नहीं है ना। हाँ बहजी मेरा पूरा ख्याल रखती है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहने देती, पर पगार तो नहीं देती ना। हाँ वैसे कभी कभी पगार दे भी देती है, पर मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आखिरी बार मुझे पगार कब मिली थी। हो गई तेरी चक चक, बाहर निकल। पीजी मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? क्यों? अरे घर से बाहर नहीं निकाल रही, उससे बात करनी है। इधर आ बैठ मेरे पास। देख जानकी, तेरा इंश्योरेंस करवा रही हूँ, उसका प्रीमियम भी मैं दूंगी। और मैं तो ये कहती हूँ, हर उस इंसान को उस इंसान का इंश्योरेंस करवाना चाहिए जो उसके घर में काम करता है। और पता है इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और इसका प्रीमियम जो है वो पूरे साल का सिर्फ 12 रुपए। मतलब महीने का सिर्फ 1 रुपया? हाँ उल्लू ना बनाओ, मैनू भी इतना पता है कि 1 रुपए में बार मिलता क्या है। लोग बीमा इसलिए कराते हैं कि अगर कभी चलते फिरते शरीर को कुछ हो जाए तो डॉक्टर और हॉस्पिटल का बिल भर सके। पर जिस पॉलिसी का प्रीमियम ही 12 रुपए सालाना हो उससे क्या पैसा मिलेगा? बिल्कुल ठीक समझिए। अरे इस पॉलिसी की यही तो खूबी है कि हमें जरूर 12 रुपए साल के भरने, लेकिन भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कोई दुर्घटना घट जाए तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, और कोई हादसा हो जाए, आदमी जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाए तो 1 लाख रुपए। पता है कौन लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं? जिनकी उम्र 18 साल से लेके 70 साल तक है। सच्ची? मुच्ची। और ये सब कुछ नामुमकिन किसने मुमकिन किया है? जानकी ये सब उसने किया है जो हम सब में से ही एक है। बस तो ये बीमा पॉलिसी मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट दिवाली का। दिवाली का? अरे कहावत है इसलिए बोल दिया, होली दिवाली क्या फर्क पड़ता है। और फिर तू तो इस घर की सदस्य की तरह है ना, हमारी अपनी है। हमारे दुख तकलीफ हर चीज में सबसे आगे तू खड़ी होती, तेरे बिना हमारा क्या होता। जानकी तेरे लिए इतना करना तो बनता है ना। बस रेली तेरे लिए सुरक्षा बीमा योजना। और जानकी मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी तरह सब कोई उस व्यक्ति के लिए जो घर का ना होते हुए भी घर का है उसके लिए ये सुरक्षा योजना जरूर करवानी चाहिए। थैंक यू बीजे। माँ अगर आपको घर जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं दी के साथ आ जाऊंगी। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, वैसे भी पृथ्वी को चोट लगी है, अगर मैं चली गई तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। जब उसने प्रीता की जान बचाई ना तो मैंने उसके घर फोन कर दिया उसकी माँ से बात करने के लिए और उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए, ये कहने के लिए कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारा रिश्ता उनके घर से जुड़ा है।
उनके बेटे से जुड़ा है। सच में प्रीता बहुत किस्मत वाली। ये तो बात आपने सही कही मम्मा, कि दीप बहुत किस्मत वाली है और उनकी किस्मत ने ही उन्हें बचाया, ना कि किसी और ने। तो प्लीज ये आप किसी को भी ऐसा फोन करके थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तू ज्यादा बकवास मत कर सृष्टि, बोलने से पहले दो बार सोच लिया कर, तू किसके बारे में बोल रही है। तू इतनी भी छोटी नहीं है कि जो मुंह में आए बोल दे। अरे उसने जान बचाई है। सरला जी जाने दीजिए, बच्ची है, बच्चों को कभी कभी बड़ों की बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। ये नहीं जानते कि इनकी दोस्ती और हमारे रिश्ते निभाने के तौर तरीके अलग होते हैं। कब समझ आएगी इन्हें? और इस पृथ्वी का तौर तरीका तो बहुत ही अलग है, वो दिखता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। और ये बेचारी भोली भाली मम्मियां, इन्हें उसकी शातिरगिरी समझ में नहीं आएंगी। चलिए राखी जी, महेश जी इंतजार कर रहे होंगे चाय के लिए। जी सुना शॉर्टी, मदर इंडिया ने क्या कहा? सही तो कहा, आज जो भी हुआ उसके पॉइंट में से एकदम सही कहा। आज तो मुनीशा प्रीता को मार ही देती, सुना नहीं किस तरह चिल्ला रही थी वो, मैं यहाँ तो मैं मारने आई। सुना था मैंने, पता है मुझे, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को रेडी नहीं है कि पृथ्वी जैसा बंदा मेरे दी के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है। लगा सकता नहीं, लगा दी थी, मैं खुद वहां थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, प्रीता की जान उसी ने बचाई। मोनिशा छुरा लेकर प्रीता के पीछे भाग रही थी, पृथ्वी बीच में आ गया और उसकी जान बचाई। सृष्टि मे भी तुम्हें पृथ्वी पसंद नहीं है, इसलिए तुम उसकी अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, पर सच्चाई तो ये है कि प्रीता की जान पृथ्वी ने ही बचाई है। सृष्टि पृथ्वी तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज उसने प्रीता की जान बचाई है, दैट्स अ फैक्ट। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं किसी इंसान से नफरत करता हूँ और वो मेरे किसी अपने इंसान को बचाए तो मैं उसे फॉरगिव कर दूंगा, उस पर बिल्कुल भी शक नहीं करूंगा, एटलीस्ट उस बात के लिए उसका एहसानमंद रहूंगा। तुम लोग दोनों एक काम क्यों नहीं करते, तुम दोनों एक दूसरे की बात मान लो, क्योंकि मैं ये बात नहीं मान सकती। अरे सृष्टि मेरी बात तो सुनो सृष्टि। क्या यार, पता नहीं कहाँ रह गई प्रीता जी, पता नहीं कब तक लौटेंगी। प्रीता जी को मेरी कितनी टेंशन हो रही होगी, और होगी भी कैसे नहीं, वो मेरी होने वाली पत्नी है। प्रीता जी का पृथ्वी और पृथ्वी की प्रीता जी। जी प्रीता जी। फिर प्रीता जी, अरे शर्लिन बोल रही हूँ, मतलब तुमने मुझे उल्लू बनाया था, ये कहकर कि प्रीता तो मेरे प्लान का छोटा मोटा हिस्सा है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम बेबी, मैं तुम्हें उल्लू बनाऊंगा? तुम उल्लू थोड़ी ना हो जो तुम्हें उल्लू बनाऊंगा। और तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरा गुस्सा तुम्हारे गुस्से के आगे कुछ नहीं है। अब तक मैंने तुम्हारा रियल फेस नहीं देखा है, तो मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें उल्लू बनाऊं? बेबी द थिंग इज, उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने तुम्हें और मुझे पप्पी शप्पी करते हुए देख लिया था ना, तो मुझे लगा कि शायद उसने प्रीता जी को जाके बता दिया होगा। वो है चुगलीखोर ना, तो मुझे लगा कि शायद प्रीता जी ने मुझे कॉल किया होगा ये पूछने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ वो सब क्या कर रहा था। तो मैं बस ऐसे ही बटरिंग कर रहा था, नथिंग एल्स। पर हाँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम आजकल ना कुछ ज्यादा ही शक करने लगे हो मुझ पर। क्योंकि तुम काम ही ऐसे करते हो। अच्छा फकीरन, एक काम करो, तुम अभी के अभी वहां से निकलो। पर क्यों? अरे कैसे निकलूं यहां से, मेरी प्रीता जी वापस आती ही होंगी, अगर मैं यहां से निकल गया तो वो मेरे लिए कितनी टेंस हो जाएंगी। मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पृथ्वी जी। मैं भी क्या सोच रही हूँ, वो भी ऐसे इंसान के लिए इतना गलत, जिसे चोट लगी है, छुरा लगा है, वो भी मेरी वजह से। वो मेरी बेटी की जान लेना चाहती थी, आपने बेटी आके उसको बचा लिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हो सकता है मोनिशा सच में मुझे ही मारना चाहती है, और पृथ्वी जी ने मुझे सच में बचा लिया। या फिर ये भी हो सकता है कि मोनिशा पृथ्वी जी को ही मारने आई हो, पर मेरी वजह से। जो भी बात है, दोनों ही बातों में पृथ्वी जी के साथ जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, और उसकी वजह मैं हूँ, और मैं ही उनके खिलाफ सोच रही हूँ, वो भी उस मोनिशा के कहने पर। क्या हुआ प्रीता जी, आप मोनिशा की बातों के बारे में सोचकर परेशान हो रही हैं? प्रीता जी मत सोचिए उसके बारे में, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा है ना, आपको परेशान करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको टेंशन देने के लिए कहा है। और अगर आप उसकी बातों के बारे में सोचेंगी ना,
तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी प्रीता जी, और हमें कुछ भी करके ना उसकी बातों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। प्रॉमिस मी कि आप मोनिशा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। प्रीता जी, आपको उसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा, कुछ नहीं कर पाएगी। एंड आई विल पर्सनली लुक इन टू इट कि वो लंबे से लंबे समय तक जेल में रहे। वही उसकी जगह है, वहीं उसका दिमाग टिकाने पर आएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो फिर आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। एंड वेयर अ गुड स्माइल ऑन योर फेस।